ओम शांति कवि और उसकी कृति में मित्रों आपका स्वागत है बात कर रहे थे चिराग किताब में से ली गई डॉक्टर हकीम शब्द आगे पीछे हैं कुछ भी समझ लीजिए हमें कविता से मतलब है मैं कविता नहीं हमारी चिराग किताब में से ली गई कविता बहुत अच्छी बात कही पिछली बार शर्मा जी ने कि हमें जो रोगी व्यक्ति है उसे ठीक करने की कोशिश करनी है उसे और बीमार नहीं करना है उसकी शक्तियों को आगे बढ़ाना है उसे उमंग उल्लास देना है कि आप ठीक हो सकते हैं आप ठीक हो गए हैं कोई भी बीमारी है चाहे एक छोटा सा बुखार ही क्यों ना हो चाहे एक छोटी सी खांसी क्यों ना हो एक छोटी सी बीमारी हमें बड़े स्थान तक ले जाती है और एक बड़ी सी बीमारी हमारी बीमारियों को खत्म कर सकती है लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या सोच रखता है उस पर निर्भर करता है आइए आगे बढ़ते हैं हैं इस कविता की तरफ बात करते यशपाल शर्मा जी से मैं आपका आप उनका स्वागत करेंगे यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया जी शुक्रिया पिछली बार हम बात कर रहे थे आपके वैद्य हकीम डॉक्टर की कविता कविता में हमने आपकी पंक्तियाँ पढ़ी थी वहाँ तक आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें और कुछ ऐसा भी बताया कि हमें जो रोगी व्यक्ति है उसको निरोगी करने की कोशिश करनी है दवाइयाँ असर करे या ना करे लेकिन व्यक्ति की बातें असर बहुत करती हैं आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार है हर समय ही तूने केवल मानव है किया प्यारा दिवस रात और प्रातःय आराम से किया किनारा रोगों से तूने जूस जूस कर हर जन के प्राण बचाए अपने जीवन में न जाने बुझते कितने दीप बचाए तूने असंख्या मां बहनों के मिटते। मांग बचाए, क्रूर काल के हाथों से नन्हे नन्हे बाल बचाए जीवन नैया रोग भवर से के नैया बचाता है घोर निराशा के जीवन में तू नई प्रेरणा लाता है ये आपने वैद्य की तरफ कहा वैसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर या वैद्य जो भी है वो भगवान का दूसरा रूप है जी वो चाहे तो जिंदगी बचा भी सकते हैं लेकिन अगर उनकी एक गलती हो जाए हाँ। तो वो जिंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं। मैं एक बात आपको सुनाना चाहूंगा जी गीता में भगवान ने कहा है कि औषधि कि ये जो उन्होंने कहा कि सूर्य मैं हूँ चंद्रमा मैं हूँ औषधि मैं हूँ तप मैं हूँ बल मैं हूँ शौर्य में हूँ साहस में हूँ। जो चीज भी है वो वो मुझसे ही है तो ऐसा कहते हैं कि धनवंतरी जो देवताओं का वैद्य था उसका बेटा बीमार हो गया तो वो उसे दवाइयाँ दे रहा है बहुत इलाज किया उसको खुद ही वो देवताओं का वैद्य था और अंत में उसका बेटा समाप्त हो जाता है जी उसने कसम खाई कि मैं अब ये वैध हकीम वाला काम नहीं करूंगा तो मैं अपने बेटे को ही नहीं बचा सकूंगा नहीं बचा सका मैं ये काम नहीं करूंगा एक देवता उसके पास जाए दूसरा जा रहा है कि मैं स्वस्थ नहीं हूं मेरा इलाज कीजिए कहता मैंने किसी का इलाज नहीं करना अगर मैं अपने बेटे का इलाज नहीं कर सका वो मर गया तो मैं वैद्य किस काम का यही बात भगवान विष्णु के पास पहुंची जाकर के बताया कि ये वो ऐसा है वो इतना निराश है उसने अपना का काम ही करना छोड़ दिया है भगवान विष्णु उसके पास आए संतापना दी कि वैद्य धन्वंतरी जी आप इतने निराश ना होइए अपने कर्म को आगे बढ़ाइए ये हमारा तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें दिया गया है ये पार्ट आपको करना ही करना है। तो कहते हैं कि धन्वंतरी रोने लगा कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका हे हरी तो मैं अगर मैं अपने घर के घर का जो मेरा मेम्बर है जो मेरे घर का चिराग था जो मेरे घर की रौनक थी सब कुछ था अगर मैं उसका इलाज नहीं कर पाया तो मैं दूसरों का क्या करूंगा मैं भगवान ने मुठी खोड़ी कहता कितनी कितनी पुड़ियाँ दी थी उसको उसने कहा जे 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 दुबाई थी उसने कहा देखो मेरे सारी को सारी मैंने अपने हाथों में रखी मैंने उसको लगने ही दी है लगने तुम्हारा एक एक कार्य है एक फर्ज है जो तुम तो कर रहा है उसे ठीक होना या ना हो, होने देना ये मेरे हाथ में है देखो गिनो, देखो कितनी कितनी दी थी सारी थी उसने कहा ठीक है का ये हर जीव का एक समय है अगर उसका जन्म लेने का समय है तो उसका शरीर छोड़ने का भी एक समय है।, समय है तुम इतने निराश क्यों होते हो और फिर उसने अपना काम शुरू किया ये कहानी आपको मैं और सुनाता हूँ कि जब आराम और रावण में लंका में युद्ध हो रहा था जी। तो मेघनाथ की शक्ति से राम के छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित हुए जी। तो उस समय अफरा तफरी मच गई भगवान राम एक मानव देह में थे उन्होंने मानव देह दे में एक मानव की तरह ही व्यवहार किया वो बहुत रोए कि अगर ये भैया मेरा दुनिया से चला गया तो मैं घर जा के मैं माता को क्या मुंह दिखाऊंगा? कि मैं अकेला आया हूँ तुम्हें तो तीन तीन घर से आए थे ना तुम्हारी हमारी बहू है ना हमारा बेटा आया है तो राम अकेला कैसा मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगा तो वो रोते हैं दूसरे जो वहां पे बैठे हुए हैं उनके साथी थे नाल, नील अंगद जी, सुगरी जी, जी, जी. वो सारे उसको साहस बनाते हैं कि प्रभु आप इतना साहस न छोड़िए आखिर विचार करने लेके इसका उपचार क्या हो सकता है उन्हें कहा कि यहाँ वैद्य तो कोई नहीं है और रावण का एक हकीम है वैद्य है सुशीन उसे अगर लाया जाए वो कहते हैं कि बहुत अच्छा वो वैद्य है और दवाइयों का और जड़ी बूटियों का वो जानकार है तो ये काम को अभी अभी रावण के दरबार में कौन जा सकता है वहाँ पे तो हनुमान कहला मैं जाऊँगा उसने वो ऐसा कुछ किया कि यहाँ पे उसका महल था सुशैन वैद्य का उसी को ही पूरे का पूरा उठा करके ले आया अच्छा। आकर के वहां उनकी सेना थी बाबा राम की वहां रखती है उससे बाहर निकाला कहता चलो इसका इलाज करो तो वो चुप है वो कहता देखिए कि मैं शत्रु पक्ष का इलाज नहीं करूंगा क्योंकि मैं रावण का अन जल खाता हूँ तो उसे जो दूसरे वहां पे बैठे हुए योद्धा थे वो समझाने लगे कि ये वैद्य हकीम जो है या डॉक्टर है वो ना किसी का मित्र है ना, ना किसी, किसी का शत्रु। है। जी, जी, जी। उसे ईश्वर ने ये जो शक्ति दी है इलाज करने की वो उसका कर्म है कि वो शत्रु हो हो, या मित्र हो, उसका इलाज करना अपने मन से ये उसका एक कर्म बन जाता है नहीं तो वो पाप को अधिकारी होगा वो इस बात पे विचार किया कहते ठीक है ये तो बात आपने ठीक कही कि जो वैद्य हकीम या डॉक्टर हैं ये ना किसी का मित्र है ये सबका ही मित्र है वैरी तो सिर्फ रोग का है कि रोग जो है ये उसे दूर करना ये वैद्य या डॉक्टर या हकीम का कर्म है तो उसने हुक्म किया उसने कहा कि अगर ये संजीवनी बूटी कोई वहाँ से लाएगा दिन जो दिन चढ़ने से पहले तो इसका इलाज हो सकता है तो मेरे कहने का जो तात्पर्य ये है कि जो वैद्य या हकीम या डॉक्टर है उसका कर्म है जी, कि वो आदमी का बिना स्वार्थ लालच के वो उसका काम करे आजकल अखबारों में पढ़ते हैं कि मरीज गया उसकी किडनी निकाल ली जी वो गरीब आदमी जाता है तो डॉक्टर देखता है कि इसको चलो चलो बेड पे तू तो बचने वाला नहीं है उसे लटा देते हैं बेचारे का पैसा पास नहीं है भाई तू घर नहीं जाना है यहीं पे बुला लेते हैं घर वालों को जरूरत उसके वहाँ पे एडमिट करने की है या नहीं है और उसे एडमिट कर दिया जाता है गरीब का शोषण किया जाता है मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अगर ईमानदारी से भी काम करता है तो उसे पैसे की कमी नहीं है जितने उसे चाहिए उतने मिल जाएंगे बहुत लालच करके बहुत कमा करके नीति की राह से कमाया हुआ धन या गरीब लोगों का किया हुआ शोषण उसका मैं को फायदा है कोई आखिर छोड़ करके जाना है वाणी में एक तो कहती है कि जितना भी जो धन है आखिर हमने छोड़ करके जाना है जी वो तो, तो निश्चित इस बात की जी जी। तो आगे चलिए आगे क्या कहती हैं आप क्या है मेरे लिए अभी मन नहीं कर रहा था आगे पढ़ने का क्योंकि अच्छा। आप कहानी इतनी अच्छी सुना रहे थे अच्छा। आगे आपने लिखा है जीवन नहीं या रोग भवर से कने का बन बचाता है घोर निराशा के जीवन में तू नई प्रेरणा लाता है तू धरा पर प्राण दूत तू सुख शांति का प्रतीक बिन तेरे बिरान दुनिया तू मनुष्य का सच्चा मीत धरती का तू वीर सूत नए रोगों से लड़ने वाला अंधियारे निरस जीवन में आशा दीप जगाने वाला तू मानव जीवन का मंगल पूर्ण कामना का आधार रोग तूफानों में तू रक्षक लता जीवन लाता जीवन में बाहर पीड़ाजनक अवस्था में जब देती औषती है आराम तभी तुझे जो जग मानता कहता दूसरा है भगवान रोग पीड़ित होकर जब असमर्थ कोई हो जाता है तेरी कठिन श्रम यतन से नए जीवन को पाता है पहले एपिसोड में मैं कह चुका हूं कि हकीम डॉक्टर वैद्यों को लोग दूसरा भगवान मानते हैं जी बात औषधि की इतनी नहीं है जितनी उसे सकारात्मक विचारों को देने की है और डॉक्टर की वैद्य की हकीम की सबसे बड़ी एक जो खासियत है कि वो मुस्कुरा करके उससे मिले उसे ये दिलाए कि तुमसे और मेरे से ज्यादा को तुम्हारा को उम्मीद नहीं हो सकता जिसे तुम्हें ठीक करने की चिंता हो सकारात्मक विचार जो हैं वो आदमी का रोग आधा रोग डॉक्टर उसका मिलने के जब उसे रोगी डॉक्टर के, के पास जाता है तो उसे सकारात्मक विचार देता है ये कोई रोग ही नहीं है कोई बात ही नहीं मैं आपको ठीक कर देता हूँ मुझे अपने गाँव की एक कहानी याद आती है जी हमारा डाकखाना दा, और सप्त सेन रोड जैमल सिंह जहाँ मेरा गांव है वहाँ से दो किलोमीटर की दूरी पे वो कस्बा है जी, बड़ा मशहूर कस्बा जी, जी, है जी. तो वहाँ पे एक खैती नाम का एक डॉक्टर था जी. वो दिल्ली में ए, सरकारी हॉस्पिटल में वो यहाँ पे आया तो उसने देखा कि जहाँ मरीज बहुत है हुँ. तो उसने सरकारी नौकरी छोड़ी और अपना कार्य शुरू कर लिया तो उस समय घोड़े पे सब रास्ते कच्चे थे तो वो घोड़े पे आता था जी। तो जैसे ही गांव में मरीज के पास पहुंचता तो सबको कहता परे परे हट जाओ परे परे हो मैंने इसे देखना है आके उसकी न बजे देखता क्या बात है भाई खराती डॉक्टर खराती आ गया है मैं तुझे मरने नहीं देना है मैं तुझे आज ही ठीक करके जाना है मैं जाऊँगा तब जब तू कहेगा कि मैं ठीक हूँ तुझे तो रोग ही कोई नहीं क्या हुआ तुझे तो वो रोगी जो पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर जो निराश है वो लोगों ने उसे कहा है कि यार रोग तो बुरा है किंतु वो ऐसे सकारात्मक विचार देता था इंजेक्शन देने थोड़ी सी दवाई देनी और कहते भाई ठीक है भाई मैं इसके पास बैठा हूँ लाओ पानी पूनी मुझे पिलाओ मैं जब तक ये कहेगा नहीं कि मैं ठीक हूँ मैं तब तक मैं जाने वाला नहीं तो रोगी जो पहली पुड़ी जब इंजेक्शन देता तो आधे घंटे तक जब देता रोगी देखता मैं ठीक हूँ पूछता क्या हाल है तुम्हारा जी मैं अब ठीक हूँ अतः शाम <coughs> तक तूने ठीक हो जाना है वो ऐसा उसको मानसिक रूप से तैयार करता कि रोगी सचमुच ही ठीक हो जाता है सकारात्मक सकारात्मक विचार रोग कोई भी हो रोग तो रोग है ही वो तो औषधि से जाएगा किंतु मानसिक रूप से बीमार को तैयार करने के लिए कि रोग इतना रोग होता नहीं है जितना को मानसिक रूप से वो कमजोर हो चुका होता है कुछ उसकी परिस्थितियाँ पैसे की भी होती हैं आर्थिक काल ऐसी है जी। हमारे गांव में कहाँ इतने पैसे होते थे खेती बाड़ी खेती बाड़ी होती थी छोटी मोटी पैसे कहाँ होते थे एक डॉक्टर आ रहा है पहले तो वो, वो नुस्खे आजमाते हैं जब उसे ठीक नहीं होता फिर तो डॉक्टर पास डॉक्टर से आप जाइए लोग अनपढ़ थे अशिक्षित थे तो गांव में ना कोई ऐसे बैठे ना ऐसे बड़े कोई हक, कोई हकीम हकीम थे डॉक्टर होते थे सो so, जो हकीम हम, हम, हमारे थे उनमें ये खासियत थी नब्जे दे करके बताते थे लेकिन जैसे वो औषधि देते थे हाँ। या फिर ये नब्ज जो आपने बोला इसकी कोई पढ़ाई क्योंकि मैंने आपसे पहले भी पूछा था हाँ। कि इसकी कोई पढ़ाई हाँ। या फिर जैसे वो जंगलों में जाते हैं हाँ। कोई भी जैसे बहुत ओश, किसी औषधि को निकाल लिया हमारे हाँ। जो हमारे घर के जो बुजुर्ग थे हाँ। वो जैसे किसी जंगल में जाते हैं उस औषधि को उठा लेते थे हाँ। वो कहते थे ये इस काम के लिए आएगी हाँ। जैसे आपने एजॉइन का एक उदाहरण दिया वो पेट के लिए तो ये कैसे पता लगता है कि हमारे घर में भी ऐसा है कि नहीं ये इसके लिए काम आएगा ये इसके लिए काम आएगा और उससे हम ठीक भी हो जाते इसकी कोई पढ़ाई क्योंकि हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े हमें कोई ऐसी दवाइयाँ खाने की जरूरत ना पड़े जिससे हम इन दवाइयों से ही ठीक हो जाए ऐसा है कि ये कोई भी शिक्षा है जी। कोई भी ज्ञान है जी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ये जो आज तक जो एलोपैथी है जे इतनी विकसित हुई है जे एक दिन में विकसित नहीं हुई है ये एक देश की नहीं है ये अनेक देशों की है किंतु अजुर्तुक जो है जे हमारे देश में ही पैदा हुई जो जड़ी बूटियों के आधार पर चलती है और इसका के बेस है कि जो आदमी का लिवर है अगर वो साफ है तो आदमी बीमार बहुत कम होता है जब हम ऐसे आजकल फास्ट फूड खाते हैं वो ग्रीष्ट भोजन होता है पचता नहीं है गंदे हाथों से बना होता है तो बच्चे बीमार होते हैं जी पेट खराब होता है बुखार होता है किंतु तो बच्चे नहीं मानते हैं कुछ चटपटा है ये जीव कहते हैं कि अगर आदमी ने कोई साधना करनी है तो सबसे पहले अपनी जीव के ऊपर आदमी को कंट्रोल करना पड़ता है लेकिन आपने यहाँ पे जीव की बात ली यहाँ पे एक बात मुझे समझ में आती है क्योंकि पहले जैसे लोग थे ब्राह्मण की बात छोड़कर अगर हाँ, हम राजपूतों की हाँ, बात करें या अदर कास्ट की बात करें हाँ, नॉर्मल एक बात हाँ, है ये हाँ, मांस मच्छी हाँ, कहते हैं कि ये मांस मछी खाने से ये बीमारी दूर होती है हाँ, लेकिन वो तो एक किसी जीव को मारकर अपने आप को ठीक करना ये कहाँ का न्याय है मैं नहीं मानता देखिए हाथी है और वो मांस नहीं खाता शाकाहारी जो है वो सबसे ज्यादा वो बलवान है जो यहाँ ब्रह्मा कुमार है यहाँ पे या यह ब्रह्मा हैं, ये क्या खा रहे हैं शाकाहारी हैं, और क्या किसी से कम है इनमें एक खान पान की पवित्रता है रहन सहन की पवित्रता है विचारों में एक सकारात्मकता है पॉजिटिव विचार हैं और ईश्वर के साथ मिलन है योग लगाते हैं तो क्योंकि जो। जैसे हाँ। जिम जाते हैं हाँ। आ पहले आ पहले भी और आज पल, आज भी और आजकल योगा करते हैं हाँ। वो अलग बात है हाँ। लेकिन जहाँ जिम जिम जाने की बात आती है हाँ। जिम जाते हैं तो वो जो एक पाउडर खाते हैं कैप्सूल खाते हैं हाँ। मैं अपने अब घर की हाँ। ही बात ले लूँ हाँ। कई भाई लोग हमारे ऐसे हैं जो जिम जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ मास की मात्राएं होती है तो इससे स्ट्रॉन्ग बनते हैं हाँ। बॉडी बिल्डर बनते हैं या हमारे हाँ, वो कहते हैं एब्स बनते हैं हाँ, हाँ, हाँ। हम योगा से भी तो कर सकते हैं कि या वही चीज खाकर अपने जीवन को अपना मतलब एक स्वास्थ्य ठीक करना होता है देखिए मैं सेवनटी टू का हूँ जी और मैं ट्वेंटी सेवन का अपने आप को मानता हूँ योगा में दो चीजें होती हैं जी कि एक तो अपने आप को कभी बुरा मत समझो मैं एक किसी विद्वान की लाइनें पढ़ रहा था जी। वो कह रहा था अगर आपने जवान रहना है तो जवान लोगों के बीच में बैठी है युवाओं के बीच में बैठी है वो सकारात्मक बातें करेंगे हंसाने वाली बातें करेंगे अगर हाँ बूढ़ों में बैठेंगे तो अच्छे अच्छे भले को भी बीमार कर दी जब आदमी बूढ़ा होता है जी। तो शिकायतें होती हैं पुत्र से शिकायत होती है संबंधियों से शिकायत होती है साली से शिकायत होती है सास से शिकायत होती है तो शिकायतों शिकायतों को पिटारा लेकर जब बैठते हैं एक सुनाता है तो दूसरा अपनी शुरू कर देता है। सो <laughs> युवाओं so, में बैठने से उनकी जो बातें होती हैं, वो कुछ होती हैं कुश्ती की होती हैं शलांग लगाने की होती हैं या काम करने की होती हैं कि मैंने ये करके दिखा दिया तो जो बूढ़ा आदमी है उससे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सकारात्मक विचार मिलते हैं और विचारों के आधार के ऊपर ही आदमी बनता है करता है मानसिक रूप से वो सशक्त होता है मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमें मांसाहारी से जरूरी नहीं है जरूरी कि हमें नहीं ताकत है, नहीं है हम शाकाहारी भोजन भी कर सकते हैं एक आदमी का एक निज्म होना चाहिए मैं योगा करता भी हूँ और मैं करवाता भी हूँ जी तो उस समय योगा में हम तीन चीजें बताते हैं वो क्या पहली बात कि आपकी दिनचर्या में काम क्या है कर्म क्या है आपका नंबर दो आप खाते क्या हैं, आप सोचते क्या हैं। हमारा भोजन हमारा कर्म हमारी सोच ये तीनों चीजें जो हैं ये एक बैलेंस बना करके रखनी होती हैं। हम वो खाएं जो हमें जल्दी पच जाए चाहे हम थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा चे, 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 तीन की बजाय हमें चार बार क्यों चार बार क्यों ना खाएं किंतु उतना खाएं जो आपको पच जाए और वो खाएं जो पाचन योग हो ग्रिस्ट भोजन ना हो दूसरी बात हमारा उठने का समय क्या है ब्रम्बेला में उठना ये बहुत अच्छी बात है ब्रम्बेला में सैर करना योगा करना और योगा जो है ये एक तकनीक है योगा कोई एक्सरसाइज नहीं है योगा या आपको पैर से लेके सिर तक वो आपको आसन करवाती है और योगा में भी चार अंग होते हैं पहला आसन होता है उसके बाद प्राणायाम होता है जो हमारे इंगला पिंगला सुषुमना को शुद्ध करते हैं और हमें ध्यान में ले जाने में हमारी सहायता करते हैं क्या आपको पूरी तरह से योगा आता है मैं करता हूँ सारे अंग मुझे आते हैं आपने इसका कोई कोर्स किया मैंने सतारह अठारह साल में मैंने चंडीगढ़ में और उसके बाद में लुधियाना में हमारे जो योगाचार्य जो थे अपने रामचंद्र जी गोयल एस आर गोयल तो वो हमें बच्चों की तरह जैसे अपने बच्चों को चीज़ सिखाई जाती है बेटा ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे इस आसन को ऐसे करना है किसी भी आसन को करने के लिए पहले उसकी स्थिति बनानी पड़ती है तो योगा में हमारा खाना डिपेंड करता है कि ये योगा किया है हमें ये भोजन करना है वो वो ये वो चीजें भी बताते हैं वो कहते हैं कि सुबह पहले पानी पियो जैसे सर्दी है सर्दी में कोसा पानी पीना है जी। जैसे कब्ज रहती है उसका भी ढंग तरीका है कि उसमें जरा सा नमक डाल लो दो गिलास पानी पियो और साथ में वो कोला नहीं करना है तो मैंने एक दिन पूछा गुरु जी जी ऐसा जी ऐसा क्यों उसने कहा है बेटा, जो रात को हमने ब्रश कर लो टूथपेक कर लो माउथ वाश कर लो सुबह का जो हमारा लब होता है हाँ। वो एक तरह का एंटीबायोटिक है ओ। तो मुझे पुरानी बात एक याद आ गई कि जब भी कभी हमारे बचपन में कहीं चोट लगती थी चोट लगती थी हाँ, हाँ। खुजली होती थी, तो हमारे कहते थे कि बेटा ठीक हाँ, हो जाएगा ठीक हो जाएगा चीजें नहीं थी हाँ। और हम ठीक होते थे हाँ। नहीं ये अक्सर हमने भी ऐसा पाया हुआ है कि जैसे हमारे घर में ऐसे कभी हुआ था तो ऐसे मतलब हमारे जो नानी है वो ऐसे करके देते थे और ऐसा हुआ है क्योंकि आजकल तो कहीं भी चोट लगती है तो वो ट्यूब लगा लेते हैं और ठीक हो जाता है मैं, ये बातें बहुत अच्छी जानकारी मैं जानका आपको ये कहानी सुनाता हूँ। जी जो मेरे जीवन में आई जी मेरे हाथों में और पैरों में बहुत ज्यादा ये पक जाते थे अच्छा तो मैं जम्मू में एक डॉक्टर था मेरी पत्नी बहन लेके गई तो उसने मुझे कैप्सूल दिए टेट्रासाइक्लिन अच्छा वो मैं खाता रहता खाता रहता खाता तो ठीक होता फिर हो जाता चंडीगढ़ में गया तो मैं मित्र अपने के पास खड़ा था तो एक आदमी आया वो योगा की बात करने लगा मैं ध्यान से सुनने लगा कभी सुबह उठ करके जब आप पानी पीते हो तो वो कुल्ला करके नहीं पीना है ऐसे ही उस पानी को अंदर ले जाना है तो मैंने प्रश्न किया मैं क्यों कहता ये जो हमारा ये थूक है रात वाला हमारे मुंह में ये एक तरह का एंटीबायोटिक है और उसके बाद आपने छः सात मिनट पानी को हाथ नहीं लगाना है जे आपके शरीर में किसी भी तरह का विकार होगा जैसे कि हाथ पकते हैं दाद होती है कहते हैं जे नहीं होगा मैंने ऊपर ये अप्लाई करना शुरू किया धीरे अच्छा। धीरे 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 ये नहीं है एक दिन में ये एक जिंदगी का एक सिस्टम मैंने बना लिया एक अपने निजम मैंने कर लिया और उसी से आज तक ये परम पिता परमेश्वर की मेरे ऊपर कृपा है बाबा की कृपा है कि दोबारा मेरे हाथों को पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना कभी भी दाद हुई है कितनी मैंने आज भी रात जी, को सोते समय मैं टूथ पेक करता हूँ और मौत बाश करके अच्छी तरह फिर मैं सो जाता हूँ सुबह उठकर दो गिलास दो, दो पानी पीता हूँ सब ठीक चल रहा है तो छोटी छोटी बातें एक बात और चलते चलते मैं करूंगा कि योगा में हमें बताया जाता है कि आप जब भी खाना खाते हो नाश्ता दोपहर का रात का तो उसके बाद पाँच मिनट के अंदर अंदर आप वाशरूम चाहिए उससे आपकी किडनी का शुगर का और हार्ट का और कई बीमारियों से ठीक होती हैं ये योगा का एक सिस्टम है एक बात और योगा की करेंगे कुछ लोगों को नींद नहीं आती है जी चिंताएं होती हैं या बीमार हुआ दवाइयाँ खाई और गर्मी खुश्की होती है ठीक नहीं आती तो ये हमें योगा में बताया जाता है सुबह घी की नीति देते हैं मेडिकेटेड घी होता है वो चंडीगढ़ से मिलता है हमें वो हमने अपने पास रखा होता है हल्का सा गर्म करके जो योगा जो में आते हैं उनके नाक में हमें तीन तीन, तीन चार चार बूंदे एक दोनों साइड पे डालते हैं और वो नस्वार लेते हैं और वो कहते हैं कि नींद बड़ी अच्छी आई यारह हाँ घी या घी नहीं है तो रात को सोते समय डाबर का आप आपदाम रोगन ले, ले सोते किसी को नहीं कहना है एक ड्रॉपर ले, ले आ, से, जी। तो वो से आधा भर करके या पौना भर करके दोनों नाक में नासा गास्ापुटो में रवाल लेके सोइे आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी टेंशन कम होगी आप जी, जी। जो छोटे छोटे नुस्खे हैं कोई एक जीवन का एक 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 जीवन पद्धति है योगा एक एक तकनीक है योगा कोई एक्सरसाइज नहीं है तो योगा करने वाला जो सदा जवान रहता है और योग जो है वो जब हमें हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा नाड़ी संस्थान जो है इंगला पिंगला शुद्ध होता है और ईश्वर मिलन बहुत जल्दी होता है आनंद आता है हमें तो आज पता लगा कि आपको योगा का भी इतना ज्ञान है योगा के बारे में हम आपसे काफी चर्चाएं करेंगे आगे आने वाले समय में मैं जितना मुझे ज्ञान है मैं मैं आपको उसके बारे में कुछ जी जानता हूं। जी आपकी ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है जी। अगली कड़ी में हम नई कविता के साथ आपके समक्ष आपके साथ अपने साथियों के समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत धन्यवाद मित्रों आज हमें इस कविता से एक नई बात सीखने को मिली कि यशपाल शर्मा जी को योगा भी आता है और अपने जीवन में आने वाले समय में हम उनसे ये सीखने की कोशिश भी करेंगे अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके पास हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार ओम शांति नमस्कार ओम शांति